नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद आता है, जब वो गीता का उपदेश देते हैं भगवान कृष्ण, मन को नियंत्रण में करने के तरीके। अर्जुन जब भगवान कृष्ण से कहता है कि प्रभु, मन को कैसे नियंत्रण में किया जाए, कई बार कोशिश करते हैं फिर भी मन नियंत्रण में नहीं होता, या जिस समय पढ़ाई करते हैं तो चूंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों के लिए है, कि जब आप पढ़ रहे हैं, जो ही आप पढ़ने बैठे और थोड़ी देर में आपका मन भटक जाता है, आपको बहुत सी बातें याद आने लगेगी, अच्छी हो बुरी हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, वे चीजें बार बार आएगी दिमाग में। और चूंकि सारा खेल ही मन का है, मन के हारे हार मन के जीते जीत, यही हम कहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि दिमाग के हारे हार या बुद्धि के हारे हार बुद्धि के जीते जीत, ये कभी नहीं कहते। तो सबसे मेन चीज है मन। तो मन को कैसे नियंत्रण में किया जाए, उसके भगवान कृष्ण ने दो तरीके बताए हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको 100% निश्चित रूप से फायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, असम शम महाबहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। भगवान कहते हैं कि हे महाबहो, अर्जुन से संबंधित है, निसंदेह है मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। तो सबसे पहले अभ्यास के बारे में बात करते हैं। और ये देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि गीता में कहा गया है, व्यवहारिक रूप से मैंने खुद इन चीजों को अप्लाई किया है। गीता तो मैंने बहुत बाद में पढ़ी थी, पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि इन ग्रंथों में इतनी महान बातें भी लिखी हुई है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की किताबें पढ़ते थे, और जब इनको पढ़ा तब लगा कि जिंदगी में क्या जो है वो मिस कर दिया। ये इतनी महत्वपूर्ण जो बातें थी ये पहले पढ़नी चाहिए थी। तो यही चीजें हैं। तो अब देखिए क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, कि मन जो है वो एक बेलगाम घोड़े की तरह है। जैसे बेलगाम घोड़ा होता है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो बार बार आगे भागेगा, आगे भागेगा, उस पर बैठेंगे वो फिर नीचे गिराएगा, फिर उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे फिर वो भागेगा। यही स्थिति होती है हमारे मन की, एक बेलगाम घोड़ा है ये। तो इसको मन में जो इसको नियंत्रण में कैसे लाना है, अभ्यास के द्वारा। बार बार घोड़ा भागेगा, बार बार हमें नीचे गिराएगा, और हमें बार बार इसको पकड़ने का प्रयास करना है, अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करना है। अब इसको मैं व्यवहारिक रूप से अगर समझाऊं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, ये मैंने खुद ने अप्लाई किया इस चीज को। पहले कैसे करता था मैं, जैसे 30 मिनट के लिए भी मान लीजिए हम बैठे हैं, ये सोच के चलते हैं कि मन को कैसे नियंत्रण में करना है, तो ये सोच के बैठिए चेयर पर कि 30 मिनट तक मुझे चेयर से उठना ही नहीं है, किसी भी हालत में मन का भटकाव नहीं करना है। जो ही आप चेयर पर बैठेंगे पढ़ने के लिए, 5-7 मिनट तक तो आपका मन नहीं भटकेगा, उसके बाद आपके दिमाग में विचार आने लग जाएंगे, यही मन का भटकाव है। कभी आपको किसी ने कुछ कह दिया होगा वो याद आएगा, या और नहीं तो आप कहीं घूमने गए होंगे, कुछ भी। तो जो ही आपका मन हटे, उसको फटाफट वापस लगे कि नहीं मुझे मन नहीं भटकाना है, फिर पढ़ना शुरू कर दिए। जो ही मन वापस भटके फिर उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए कि नहीं मुझे मन नहीं भटकाना है। जो ही मन हटे उसको वापस पकड़ने का प्रयास कीजिए। और जब आप बार बार इस तरीके से करेंगे तो अंत में मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होगा, और आप जो चाहेंगे वही होगा। तो अब जो ये बेलगाम घोड़ा था, इसकी लगाम किसके हाथ में आ गई, हमारे हाथ में, यानी आपके हाथ में। अब आप जैसे चाहें अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आपके मन में कोई भी दूसरा विचार नहीं आएगा। तो जो पढ़ाई लोग 10 घंटे में करते हैं, मन पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, वही पढ़ाई आप 3 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला तरीका है अभ्यास के द्वारा। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ये बेलगाम घोड़ा जो है इसकी लगाम आपके हाथ में आ जाएगी, इस पर आप बैठ भी जाएंगे और फिर ये आपको नीचे नहीं गिराएगा।
तो यही स्थिति है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो मन ज्यों ही भटके इसको पकड़ के वापस लाइए कि नहीं, मुझे मन नहीं भटकाना है, थोड़ी देर बस और पढ़ लूं। इस तरह करते करते आप जाएंगे, अपना समय जो है उसको लगातार बढ़ाते जाइए। और यकीन मानिए, ये जो तरीका मैंने आपको 30 मिनट वाला, 40 मिनट वाला, ये तरीका जो है ये 100% कारगर है, क्योंकि मैंने खुद इनको अप्लाई किया था कभी। तो इसलिए अगर आप इन चीजों को अप्लाई करते हैं तो अब तो मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा मन अब नियंत्रण में है। मुझे 2 घंटे अगर काम करना है, अगर पढ़ाई का काम करना है, तो मेरा मन नहीं भटकता, कोई मन में जो है विचार नहीं आते। तो इसको नियंत्रण में करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि ये नियंत्रण में हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए पहली कंडीशन है अभ्यास, ये तो करना होगा बार बार इसको। अब आगे अर्जुन भगवान कृष्ण को ये कहता है कि हे प्रभु, जब अभ्यास के द्वारा मन कंट्रोल में हो गया, नियंत्रण में हो चुका है, तो फिर ये वैराग्य की क्या आवश्यकता है? तो तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ताकि मन फिर से नहीं भटके। ये जरूरी नहीं है कि एक बार अभ्यास के द्वारा मन कंट्रोल में हो गया तो बाद में वो भटकेगा नहीं। अब उसको भटकाने वाली वस्तुएं आएगी। जैसे मान लीजिए आप YouTube पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपने वीडियो चला रखा है, अचानक ही कोई मूवी का ऐड आ गया, या कोई मूवी या कोई भी वीडियो, जो जैसे कई बार काफी वीडियो आते हैं सजेस्ट में, और आप पढ़ते पढ़ते आपको 25-30 मिनट हो गए और आपका मन भटक गया। जो ही आपको कुछ मूवी के या फेमस मूवी है या उनके वीडियो दिखे तो आपका दिमाग भटक गया कि चलो एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको अट्रैक्ट करेगी बार बार। आपने ये सोचा कि मुझे आज 2 रोटी ही खानी है, लेकिन घर में उस दिन हलवा बन रहा है, एक प्रकार से अच्छा जो मीठा, खूब सारी चीजें बनी है, तो आपका वही है कि मन वापस उस तरफ जाए कि मैं आज तो खूब पेट भर के खाऊं, बाकी बाद में देखेंगे। तो यही स्थिति है। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य एक बहुत बड़ा शब्द है, एक प्रकार से कहें तो हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, हमारी सभी इंद्रियों का जो नियंत्रण है वो हो तो हमारा मन भटकाने वाली स्थिति नहीं होगी। तो अभ्यास के द्वारा जो है हमें मन को नियंत्रण में लाना है, उसकी लगाम हमारे हाथ में रखनी है, और वैराग्य इसको बाद में इसलिए रखना है ताकि बाद में भी भटकाने वाली वस्तुएं हमें नजर आएगी, लेकिन हमें हमारे मन को भटकाना नहीं है। और इस तरह से जब आप इन दोनों चीजों का प्रयास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, वैराग्य का पालन करेंगे, तो अंत में मन की जो लगाम है वो पूरी तरह से हमारे हाथ में, हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। और मित्रों कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया तो उसने सारे जग को जीत लिया। तो ये बहुत महान बातें हैं, इसको आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं विद्यार्थियों की समस्याएं बहुत अच्छे से समझता हूं। रोजगार की समस्या बहुत भयंकर होती है, जब बेरोजगारी की अवस्था होती है तो उस समय धीरे धीरे टेंशन, डिप्रेशन, इतनी भयंकर स्थिति होने लग जाती है कि फिर आप जो पढ़ने की एनर्जी है वो तो होने लग जाती है कम, और टेंशन, डिप्रेशन, इस स्थिति की ओर भटक जाते हैं, ये चीजें हावी होने लग जाती है। तो अपने मन को नियंत्रण में रखें और भगवान का नाम लें, मन को शांत रखें, शांति से बैठे कई देर। कई लोगों की आदत होती है, सारे दिन बोलते हैं वो चपर 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 चपर, उनको कोई चुप नहीं करवा सकता उनको। वो थोड़ी देर के लिए अगर चुप हो जाएंगे तो ऐसा लगता है कि उनमें जान ही नहीं रहेगी बेचारों में। तो इतनी भयंकर आदत होती है कई लोगों को बोलने की, तो उसका कोई लाभ नहीं है। बोलना वहीं चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो। सारे दिन बोलने से एनर्जी ही वेस्ट होती है और ना ही मन तो नियंत्रण में होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए कम से कम बोलें और अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाएं, शांत रखें मन को। गुस्सा, क्रोध, फटाफट गुस्सा आना, फटाफट, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब मन कंट्रोल में हो जाएगा तो उसके बाद बाकी सब स्थिति जो है वो आपके नियंत्रण में आ जाएगी। फिर आप देखिएगा इसका आपको कितना जबरदस्त लाभ होता है। कोई भी चीज आप पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी वो। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मनोविज्ञान, अब ये आपको पढ़ने में मुश्किल लगता है। कोई अगर आपके थॉट समझ में आया हुआ तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी आपने नई चीज पढ़ी या कोई भी आपकी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपका मन भटकेगा बार बार, बार बार भटकेगा। लेकिन मन को जाने मत दीजिए और पूरे मनोयोग से उस चीज को समझने का प्रयास करें।
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो ये सोच करके पढ़ें कि इस सब्जेक्ट से पहले ना दुनिया में कोई सब्जेक्ट था और ना इसके अलावा दुनिया में कोई सब्जेक्ट है। शुरू से लेकर के आज तक के इतिहास में केवल बस यही एक सब्जेक्ट है और यही पढ़ना है आपको, और केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है। इस थॉट के साथ आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। और एक बार वो चीज आपके समझ में आ गई उसके बाद देखिए आपको कैसा फील होता है, बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा है मुझे कि आपको निश्चित रूप से इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।